सो मैं रिएक्शन कर रहा हूँ इमरान खान एट द फिनिश लाइन ऑफ द गेम। फिनिश लाइन का मतलब एंड होने को है, कुछ होने को है बड़ा या नहीं। इनसाइड स्टोरी ऑफ पीटीआई मीट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज 14 मई है। बहुत अहम और धमाकेदार खबरें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है। उस बारे में तफसीलात आपको बतानी है। क्या अब सिर्फ वाकई 10 दिन का खेल बाकी रह गया है या इमरान खान फिनिशिंग लाइन के बहुत करीब पहुंच चुके हैं? उन्हें क्या लगता है और उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को क्या बताया है? अंदरूनी कहानी कुछ देर में आपको बताऊँगा, क्योंकि अब से कुछ देर पहले इमरान खान की ज़ेर सदारत एक गैर मामूली और बहुत ही अहम इजलास हुआ। उनकी पार्टी की आदत आधी से ज़्यादा जेलों में है और जो बचे कुचे लोग हैं उनको आज उन्होंने जूम मीटिंग पर यानी वीडियो लिंक के जरिए कॉन्फ्रेंस पर लिया। अच्छा, बहुत तवील डिस्कशन चली। ये जो रिसेंट हैपनिंग्स हुई हैं उनके जेल जाने से पहले और बाद में जो वाक़यात हुए उसको लेकर, और इमरान खान को अब क्या खदशा है और उन्हें क्या मालूमात मिली है कि आखिरी वार उनके ऊपर अब कौन सा हो सकता है, इस बारे में ऑथेंटिक मुस्तनद मालूमात हैं कुछ, वो मैंने आपको बतानी है। लेकिन उससे पहले, आज चूँकि 14 मई है और मेरी सराउंडिंग में आप देख रहे होंगे आउटडोर व्लॉग ज़रा हो रहा है। मैं अभी सुप्रीम कोर्ट के पास ही हो गया हूँ। मेरी कोशिश थी कि वहीं से व्लॉग अपलोड करके आप तक पहुँचाऊँ, लेकिन कुछ रीज़न्स की वजह से मैं वहाँ अपलोड नहीं कर सका। जैसे लग रहा था कि शायद सुबह जैसे मौलाना ने आना है एहतजाज करने, कभी उनका फ़ैसला हो रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर करेंगे, कभी डी चौक के पास करेंगे, कभी हुकूमत से इजाज़त मिल गई, कभी नहीं मिली, इस किस्म की सिचुएशन चल रही है। आपस में मिल के मैच खेला जा रहा है, तो फिक्स मैच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मीडिया पर आके आपको बताई जा रही हैं कि देखें मौलाना नहीं मान रहे, वो यहाँ पर करना चाह रहे हैं, हम उन्हें यहाँ का कह रहे हैं, ये सारा कुछ फिक्स इस वक्त लग रहा है। तो अच्छा। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैंने कल के व्लॉग में भी आपको बताया था कि बड़ी सख्त ड्यूटी होनी है वफाकी वज़रा की और हम नवाओं की, बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। एक वज़ीर गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, फरमाइशी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का आज जुम्मा बाजार एक तरह से लगा रहा, पूरा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस। अचानक से कुछ ऐसे हजरात जिनको टीवी पर कभी देखा नहीं है, जो इतने पॉपुलर नहीं है, वो भी अचानक से आके टीवी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक सियासी जमात को तनकीद का निशाना बनाते हैं। ये सारा कुछ इस वक्त हो रहा है। पीटीआई का नैरेटिव ब्लॉक कर दिया गया है, यानी मीडिया के ऊपर पीटीआई का नैरेटिव उस तरह से नहीं आ रहा जिस तरह से आना चाहिए, या जो वो बताना चाहते हैं वो नहीं आ रहा। पीसीज में आ रहा है, उतना का आ रहा है जितना का मीडिया दिखा सकता है। आप में से बहुत सारे लोग नाराज़ भी होते हैं, मीडिया चैनल्स पर भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, और जो पहले दिखाते थे पीटीआई को उस तरह से नहीं दिखा रहे, तो उस पर भी बरहमी का इजहार किया जा रहा है। मैं ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए आपसे ये कह सकता हूँ कि जितना का दिखा रहा है मीडिया उसको भी गनीमत जाने, वो भी बड़ी मुश्किल से दिखा रहा है और पता नहीं कितना प्रेशर लेके, कितना दबाव लेके दिखा रहा है। वरना जो इस वक्त हालात है, जो सूरत हाल नहीं है, दो ऑप्शन है, या तो दिखाएं सारा कुछ जो आप चाहते हैं और फौरन से चैनल बंद, बिल्कुल कुछ भी नहीं, मतलब जितना का चला सकते हैं वो भी ना चले, या फिर ये है कि बच बचा के जितना का दिखा सकते हैं इस वक्त बस उतना का दिखाएं। मैं बहुत ज़्यादा, मतलब उसके ऊपर भी बात करना थी, इमरान रियाज खान अब वो हुकूमत की लाइन पर नहीं चल रहे, तो उनके साथ जो हो रहा है, एक बार गिरफ़्तार, दूसरी बार गिरफ़्तार, अब तीसरी बार गिरफ़्तार हुए हैं, और कहां पर हैं, किस हाल में हैं, किसी को मालूम नहीं है, उनके अहले खाना को मालूम नहीं है, उनके वकला को मालूम नहीं है, पुलिस कह रही है कि हमने पकड़ा था, पकड़ के छोड़ दिया, कहां पर है कुछ मालूम नहीं है। तो उनके हवाले से जो अफवाहें आ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उनको सुन सुन कर दिल और परेशान होता है, तो अल्लाह करे उनकी भी खैरियत से वापसी हो सके। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि गुस्सा दिखाने की बजाय, एंगर दिखाने की बजाय, इस सिचुएशन को समझें, कोशिश करें कि जितना आपके पास मालूमात आ रही है उसको अंडरस्टैंड करें। इस वक्त मुश्किल हालात है, गैर मामूली हालात है, पूरा सच आप तक शायद बताने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। आई होप कि आप सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करेंगे। एनीवेज़ आगे बढ़ते हैं। आज 14 मई का दिन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब में इंतखाबात की तारीख का दिन, लेकिन कहीं पर कोई इंतखाबात नहीं हो रहे, कहीं पे कोई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो रहा। उल्टा सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने के लिए हर हरबा आजमाया जा रहा है और हर कोशिश की जा रही है, और जिस किस्म के ट्वीट्स आ रहे हैं, चीफ जस्टिस को जिस तरह के अलकाबात से नवाजा जा रहा है, जितना उनके ऊपर उन्हें मलाइन करने की इस वक्त एक सियासी जमात की जानिब से कोशिश हो रही है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। और जितना सब्र चीफ जस्टिस की जानिब से या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बहसियत इदारा दिखाया जा रहा है, वो भी अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा कभी नहीं हुआ। वरना तो इमरान खान ने क्या लफ्ज़ कहा था वो ज़ेबा चौधरी जो मौजूदा जज थी उनके बारे में, उसके बाद से लेके अब तक क्या हुआ, कितनी पेशियां इमरान खान भुगत चुके हैं और क्या क्या कुछ नहीं सह चुके, आपके सामने है।
दूसरी तरफ इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस को क्या कुछ कहा जा रहा है, लेकिन मजाल है कि कहीं पे कोई एक्शन हो रहा हो, कहीं पे कोई शटअप कॉल हो, या कहीं पे कोई खामोशी हो, मुस्तकिल हो रहा है। अच्छा, अब मैं आता हूँ इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले अहम तरीन इजलास और उसमें होने वाली गैर मामूली बातों की तरफ। मैं कुछ बातें सेंसर्ड करूँगा इसलिए कि हालात का तकाजा है कि इतनी भी ज़्यादा बातें आपको ना बताई जाएँ कि बाद में फिर बंदा बता ही ना सके। तो जनाब इमरान खान साहब ये समझते हैं, ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, 100% इसको कहीं से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अब सिर्फ 10 या 15 दिन का खेल बाकी रह गया है, और उन्होंने अपने लोगों को, करीबी लोगों को बता दिया है कि जो मर्ज़ी हो जाए, मैं आपका सर झुका हुआ ना देखूं, आपको माजरत खा अंदाज में ना देखूं, आपको किसी भी जगह पर मैं ऐसे ना देखूं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज में ये लगे कि आप कहीं कमज़ोर पड़ गए हैं। उन्होंने कहा है कि ये वक्त दलेर रहने का है, और इस वक्त मुकाबले की हम फिनिशिंग लाइन तक पहुंच चुके हैं, यानी बिल्कुल हम उस स्टेज पर हैं जो हमें जीत के उस पार ले जा सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि हर मुमकिन कोशिश करें, चाहे आप टॉक शोज़ में जा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर नहीं कर सकते गिरफ्तारियों की वजह से, आप अपनी अपनी वीडियोज़ बनाएँ, आप लोगों को इंगेज करें, लोगों को बताएँ कि इस वक्त मोटिवेशन आपकी कहाँ पर है और जज्बा आपका कहाँ पर है। उन्होंने बड़ी और भी बातें की हैं जिसका मॉरल या क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि इमरान खान कहते हैं कि जो हाई कोर्ट में मेरा वो मुक्के वाला अंदाज था, जो बॉडी लैंग्वेज थी, मैं वो सब में देखना चाहता हूँ, और ये मैसेज हज़ारों लाखों कारकुनान तक जाता है, इसलिए आपने किसी सूरत भी अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने देना। ये जो क्रैकडाउन हो रहा है, जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते, मैक्सिमम आपको चंद दिनों के लिए गिरफ्तार कर सकते हैं। ये गिरफ्तारी आपकी इलेक्शन कैंपेन चलाएगी, आपको इलेक्शन कैंपेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उन्होंने अली अमीन गंडापुर की मिसाल दी कि 26 किलोमीटर तवील तक उसका जो रिसेप्शन उसको मिला, वेलकम उसको मिला, फूलों की पत्तियां निछावर हुई, और जो कुछ भी है वो सबके इल्म में है। तो उन्होंने कहा कि गिरफ्तारियों से डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कत्ल करने की कोशिश की जा रही है लेकिन मैं उससे नहीं डर रहा, आप लोगों को तो कुछ कहना ही नहीं है इन्होंने, आपको तो खाली सिर्फ बंद करना है या गिरफ्तार करके साइड पर करेंगे, असल टारगेट उनका मैं हूँ। तो इसलिए उन्होंने कहा कि किसी सूरत अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना, दलेर बनकर रहें, बॉडी लैंग्वेज फिट रखें। और फिर जो सबसे बड़ा खदशा और ख़तरा उन्होंने जाहिर किया, जिसके बारे में उन्हें मालूमात भी मिली हैं और जिसके बारे में उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को भी एतमाद में लिया, इमरान खान साहब को ये लगता है कि अब चूँकि हर हरबा नाकाम होता दिखाई दे रहा है, उनके ख़िलाफ़ जो सियासी केसेस हैं उनमें भी उन्होंने बातचीत की, अलकादर यूनिवर्सिटी के बारे में उन्होंने सारे अपने लोगों को अब बताया, शहजाद अकबर से भी वो रابطہ कर रहे हैं, वो उसकी डिटेल में अभी बताऊंगा आपको, लेकिन इमरान खान को जो मेन इस वक्त खदशा है वो ये है, और उन्होंने अपने सारे लोगों को कहा कि इसके ऊपर खुलकर बात करें, टीवी के ऊपर बात करें, सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठाएं, और वो कह रहे हैं कि उन्हें ये मालूमात हैं कि आर्मी एक्ट के खिलाफ उनके खिलाफ अब मुकदमा दर्ज करके कोई कार्रवाई की जा सकती है। ये इमरान खान साहब का एक आखिरी कंसर्न है जिसको उन्होंने डील करना है, जिसको वो एक फिनिशिंग लाइन के उस पार जाने में एक बड़ी रुकावट के तौर पर देख रहे हैं, या वो समझते हैं कि ये आखिरी हर्डल है। अब वो समझते हैं कि शायद उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो सकती है लाहौर में होने वाले वाक़यात को जवाज़ बना के। आज के इजलास में भी उन्होंने कहा कि हम 27 साल तक पुरअमन रहे, अगर ये जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ करना होता या इस तरह का कोई मैं चाहता कि ये सब कुछ हो, तो जब मेरे पे फायरिंग हुई या कत्ल करने की कोशिश की गई तो उस वक्त मैं ये सारा कुछ करता, उस वक्त अगर नहीं किया 27 साल तक पुरअमन रहा हूँ तो अब कैसे कर सकता हूँ। और वैसे भी उन्होंने कहा कि मुझे इन्होंने जेल में डाल दिया, बाकी मेरी क़यादत को पकड़ लिया, इंटरनेट मोबाइल सर्विस सब कुछ बंद कर दिया, ना हमें उस तरह से पैगाम रसानी करने का मौका दिया गया, तो जो कुछ भी हुआ उसके वो कहते हैं कि हम बराह रास्त ज़िम्मेदार नहीं हैं, जो हुआ उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और वो ये कहते हैं, उनकी नज़र में ये इमरान खान साहब के कोट एंड कोट वर्ड्स हैं, कि इसमें हमारे लोग नहीं थे, इंक्वायरी कराई जानी चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने आके ये सारा कुछ किया। और इमरान खान साहब को ये लगता है कि ये प्लान्ड और मुनज़्ज़म तरीके से हुआ, और कोशिश की गई थी कि PTI को किसी तरह से एक दहशतगर्द जमात के तौर पर दिखाया जाए, और जो फिर इस तरह से सारा नैरेटिव बन रहा है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब ये टेस्ट मैच नहीं है, ये T20 मैच बन चुका है, और मुल्की तारीख में किसी सियासी जमात ने वो रेजिस्टेंस नहीं दिखाई जो हम दिखाने में कामयाब हुए हैं। मैं नहीं समझता था कि इस तरह से पब्लिक रिएक्शन होगा, जिस तरह से आया है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है, इसलिए अब ये मैच अपने फाइनल राउंड में जा चुका है, तो आप लोग तैयारी करें, T20 मैच अब हमने जीत के उस पार लगाना है।
फिर इमरान खान ने कहा कि मुझे जिस तरह की धमकियाँ हैं या जिस तरह का थ्रेट है, आप में से एक शख्स भी अगर मेरे साथ ना रहे मुझे फिक्र नहीं है, मैं अल्लाह से वादा कर चुका हूँ कि आज़ादी की जंग जीतने तक मैं लड़ूंगा और किसी सूरत पीछे हटने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। बहुत सारे और लोगों ने भी अपनी अपनी ओपिनियंस दी उसमें। फिर इमरान खान साहब ने पॉइंट आगे जाते अलकादर यूनिवर्सिटी के ऊपर बताया और जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया अपने सारे लोगों को, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर प्रॉपर पॉइंट्स के साथ वीडियोस बननी चाहिए कि कब कब इसकी टाइमलाइन क्या थी, अलकादर यूनिवर्सिटी कब बनी, कब मैंने उसका इफ्तिताह किया, वो मलिक रियाज और बरतानवी क्राइम एजेंसी की जो एक वो हुई डील, उसका क्या पस मंज़र था, कैबिनेट में क्या हुआ, तो इसके पॉइंट वाइज पॉइंट बताएं। वो कह रहे हैं मेरा उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है, एक ट्रस्ट है जो कि बहुत पहले बना और बाकी सारा मामला बहुत बाद में हुआ, तो उसके ऊपर वो अपनी कानूनी पोजीशन वाजे कर देंगे। फिर उन्होंने कहा कि मैं शहजाद अकबर से भी रابطہ करूंगा और शहजाद अकबर से ये कहूंगा कि आप लोगों को इसकी मुकम्मल तफसीलात फराहम करें। फिर उन्होंने इफ्तिखार दुरानी की भी ज़िम्मेदारी लगाई कि इफ्तिखार दुरानी उन चंद लोगों में से हैं जिनके पास इसकी मुकम्मल मालूमात हैं, तो उन्होंने कहा कि बाकी सारे लोगों को इस बारे में आगाह किया जाए और बताया जाए कि क्या हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। तो मॉरल ऑफ़ द स्टोरी इज़ कि इमरान खान अभी भी पूरे जोश और जज्बे के साथ मुकाबले के लिए तैयार हैं, उन्हें ख़तरा और ख़दशा जो है वो भी मैंने बता दिया, लेकिन इसके बावजूद वो इस तरह का मैसेज दे रहे हैं कि ये वो मौका है जहाँ से या तो हम आगे जा सकते हैं या ख़त्म हो सकते हैं, पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। ख़त्म इन द सेंस कि या तो उन्हें गोली मार दी जाए ना कि वो खामोश हो जाए, वरना पीछे हटने का रास्ता नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सारी कश्तियों को इकट्ठा करके पेट्रोल छिड़क के उसके ऊपर आग लगा दी गई है कि अब वापसी का तो कोई रास्ता नहीं है, जिसने जाना है बेशक वो चला जाए, वो कह रहे हैं मैं वापस नहीं जाऊँगा। तो ये आज की पूरी स्टोरी है। कल से फिर वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में हलचल होने वाली है। आज का थोड़ा माहौल आपको सराउंडिंग्स का पुरसकून लग रहा होगा, लेकिन ये पुरसकून माहौल ज़्यादा देर तक के लिए नहीं होगा। कल क्या होगा इस्लामाबाद में, एहतजाज, धरना, मौलाना और एंड कंपनी, जो कुछ भी होगा वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। तो इमरान खान फाइनल खेलने के लिए तैयार हो चुके हैं और कह भी रहे हैं इमरान खान की यार फाइनल लाइन पर हम पहुँच गए हैं, उस लाइन को क्रॉस करना है, चाहे वो आखिरी हद जो भी हो, गिरफ्तारी या जो भी हो, वो कह रहे हैं कि मैं तो आगे जाऊंगा, कोई मेरे साथ आए या ना आए। और ये बात सही भी है यार, इतना कुछ किया अभी तक चुप रहे, अभी तक कुछ नहीं किया, तो इस लाइन को क्रॉस करना तो बनता है। अगर वो खुद जो उनके सपोर्टर हैं या जो उनके साथ हैं, जो उनकी पार्टी है, वो क्रॉस करेंगे, क्योंकि ये जो झेलते हुए आ रहे हैं, कुछ लोग चले गए दुनिया छोड़कर, कुछ लोग गिरे, कुछ लोग उठे, कुछ लोग टूटे, कुछ लोगों ने गोलियां खाई, तो ये सब कुछ जो हुआ है, कह रहे हैं 27 साल के अंदर, लेकिन अब लास्ट में आकर जो हुआ है सबसे ज़्यादा तगड़ा वो था, वो मंज़र थे जो लोगों ने जाने गंवाई हैं, तो वो चीज़ होने के बाद भी अगर पीछे हट जाओ तो बेकार है, अब तक का सफ़र बेकार हो जाएगा। अब T20 खेलने का वक्त है, अब स्लो स्लो नहीं चलना है, तेज़ तेज़ चलना है। मैं आगे जाऊँगा, कोई मेरे साथ रहे या ना रहे, लेकिन ये वर्ड उन्होंने कहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक मुझे लगता है कि उनके साथ रहेगी। आग वाग लगती है, झगड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ग्रुप, चुनिंदा ग्रुप पैसा देकर या उनको उनका ब्रेन वॉश कर भेजा जाता है कि जाओ यहाँ पर ये काम कर आओ, ताकि माहौल बिगड़े और इल्ज़ाम उस बंदे पर आए, हम पे ना आए, ऐसे करके कुछ सीन बनता है। तो इंक्वायरी होनी चाहिए भाई, देखते हैं आगे क्या होता है, पार्टी कितना आगे तक जाती है। तो एंड करते हैं इस वीडियो को, बाय बाय सानिया।